नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में, जो एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने वाला एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर अब हमारी पूरी की पूरी टीम आ चुकी है और ये टीम जुटी हुई है आपकी तैयारी करवाने में। शामिल हैं इसमें दिनेश ठाकुर सर, जो आपको मध्य प्रदेश पढ़ा रहे हैं, शैलेंद्र तिवारी सर, जो आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और इतिहास पढ़ा रहे हैं, राजुल श्रीवास्तव मैम, जो आपको मध्य प्रदेश और एमपीपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, सन्मति जैन सर, जो आपको सी सेट की तैयारी करवा रहे हैं, इसके अलावा जितेंद्र राजा राम वर्मा सर हैं हमारे साथ, जो आपके लिए एथिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, अजय बसेड़िया सर हमारे साथ हैं, जो आपके लिए साइंस और इन्वायरमेंट की तैयारी करवा रहे हैं, और दोस्त साथ में मैं आपको इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट एक्ट, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, और हम सब टीम मिलकर के आपकी तैयारी करवा रहे हैं आने वाले एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स की। इस वीडियो में हमें जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम बहुत सी रिपोर्टों को इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में जो बची हुई रिपोर्टें हैं हमें उनको ख़त्म करना है। दोस्तों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और वहां पर बहुत सारे एजुकेटर्स आपको लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इसका सब्सक्रिप्शन एक साल का 7,000 रुपये का है, पर अगर आप मेरा कोड SG LIVE यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, और यही चीज़ आपको 6,300 की मिलेगी। 2 साल का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज 11,200 रुपीज़ है, पर यहाँ भी अगर मेरा कोड SG LIVE आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% के डिस्काउंट पर यही चीज़ 10,080 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा पार्ट है, और इस पार्ट में हमें दूसरी रिपोर्टों को डिस्कस करना है और बात करनी है कुछ और महत्वपूर्ण रिपोर्टों की। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट को कंप्लीट कीजिए और फिर हम इस पार्ट पर चर्चा करें। चलिए, तो अगली जो हमारी रिपोर्ट है इसी क्रम में, हमारी जो 23वीं रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आप जानते हैं कि ये रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को जारी करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक फ्रांसीसी संस्था। ये सवाल दोस्तों एक बार पहले भी आ चुका है कि वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक इसमें क्या है, 140 है। टोटल कितने देश हैं, 180, और पहला स्थान किसे मिला है, तो प्लीज़ याद रखेंगे पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। किसे मिला है, नॉर्वे को मिला है, और ये रिपोर्ट दिखाती है कि भारत में स्वतंत्रता नहीं है रिपोर्टिंग सी, और रिपोर्टिंग का स्तर उतना अच्छा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसको आपको याद रखना है दोस्त। इसके बाद अगली रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसे कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है, और इसमें भारत की रैंक 140 है, जबकि टोटल कंट्री कितनी है, 156, और नंबर वन पर कौन है दोस्त, फिनलैंड है। नंबर वन पर कौन है, फिनलैंड है। इसके बाद एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, बस याद रखना इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, भारत में रैंक कितनी है, 47, दैट्स इट। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो हमें याद रखना है, एक तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स हो गया, और दूसरा है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। ये भैया बहुत ज़रूरी इंडेक्स है, और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें दोस्त याद रखना, जो संस्था है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था के द्वारा वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। 2018 में भारत का रैंक कितना है दोस्त, 78 है, 78 है। टोटल कंट्री 180, और नंबर वन पे बिना सबसे कम करप्शन कहाँ पर है, डेनमार्क। कहाँ आता है दोस्त डेनमार्क, यूरोप में आता है। और आप बताइएगा कि स्कैंडिनेवियाई देश और बाल्टिक देशों में क्या अंतर है, कमेंट में बताइएगा जब आप ये वीडियो को देखेंगे।
दूसरा अगला सवाल है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक इनसीड से जारी करता है, 80 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब समराइज करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। तो यहां पर दोस्त हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखे जहां से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। एक हमने देखा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और एक हमने देखा वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, जबकि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का 78 रैंक है, जबकि रिपोर्टर्स में भारत का रैंक 140 है। नंबर वन नॉर्वे और यहाँ पर नंबर वन डेनमार्क। एक बार पूरा रिविजन करें तो पहले वीडियो में हमने वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स देखी थी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी। दूसरी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, कैपिटल इंडेक्स थी। तीसरा राइज नाम की एक रिपोर्ट थी। चौथा रिमिटेंस नाम की एक रिपोर्ट थी और पांचवा ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नाम की एक रिपोर्ट थी। इसके बाद फिर हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दोस्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट थी? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट थी, जिसमें भारत का 108वां स्थान था। ओके, इसके अलावा हमने देखा था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, और फिर एक रिपोर्ट देखी थी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट किसने जारी की थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की थी। फिर हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की थी और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आयरिश और जर्मन संस्था द्वारा जो जारी की जाती है उसमें भी हमने देखा था कि भारत काफ़ी पीछे स्थान पर है और बेलारूस उसमें नंबर वन स्थान पर था और चार पैरामीटर्स वहां पर थे। कितने पैरामीटर्स थे? चार। एक था अल्प पोषण, दूसरा था चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा था चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा था शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसके बाद अब हम बात कर चुके हैं वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की और यहां पर हमने देखा वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ही रिपोर्टें बची हैं, खत्म करते हैं इसको। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। याद रखना ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसी के द्वारा वर्ल्ड ग्लोबल या इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स और दूसरा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का रैंक 41 है, जबकि पहले स्थान पर कौन आया है? नॉर्वे। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बाद एक और जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है दोस्त वो है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2018 का रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। पहला प्रश्न, कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। सर कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। दूसरा प्रश्न, भारत का स्थान क्या है? 130 पर टोटल कितने देश हैं? 189 तो 189 कंट्रीज में भारत का रैंक क्या है? 130 है। नंबर वन कौन है? नॉर्वे है। नंबर वन कौन है? नॉर्वे है। आप जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया एक कंसेप्ट है जिस पर आधारित है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और किसी भी देश की प्रगति के मापन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है। भारत का रैंक प्लीज याद रखना 130 है। कौन जारी करता है? UNDP इसे जारी करता है। अब इसमें एक और सवाल आता है, चूंकि UNDP एक बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है तो यहां से एक और सवाल आता है कि UNDP जो इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके मापदंड क्या हैं, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं? तो याद रखना उसके तीन इंडिकेटर्स हैं। कितने इंडिकेटर्स हैं? तीन इंडिकेटर हैं। एक तो है स्वास्थ्य, हेल्थ। एक कौन सा है? हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा कौन सा है? नॉलेज, मतलब शिक्षा। और तीसरा है आय।
कितने हो गए भैया? एक हो गया स्वास्थ्य, एक हो गया शिक्षा और एक हो गया आय। स्वास्थ्य के स्वरूप में स्वास्थ्य होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जो स्वास्थ्य होता है वो जीवन प्रत्याशा पर होता है। किस पर होता है? जीवन प्रत्याशा पर होता है। नॉलेज, शिक्षा किस आधार पर कि कितने वर्ष आप स्कूल गए हैं या स्कूलिंग के वर्ष आधार करते हैं शिक्षा को। ये जो स्वास्थ्य का मानक है, तो स्वास्थ्य का जो मानक HDI में लिया जाता है, छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनना दोस्त, ये जो स्वास्थ्य का मानक, ये जो हेल्थ का मानक HDI में लिया जाता है, तो इसके लिए एक अलग से इंडेक्स है। वो इंडेक्स कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से रिपोर्ट लेकर के HDI में जोड़ दी जाती है। लेकिन जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, इसके लिए भी एक इंडेक्स है और उसका नाम ही क्या है? एजुकेशन इंडेक्स। तो शिक्षा और आय के लिए कौन सा इंडेक्स है? GNI इंडेक्स, GNI पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। तो आपने क्या करना है? GNI इंडेक्स को जोड़ा, आपने एजुकेशन इंडेक्स को जोड़ा और आपने क्या किया? आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को जोड़ा। आपने इन तीनों सूचकांकों को जोड़ करके, तीनों का एवरेज निकाल करके दोस्त क्या बना दिया? तीनों का एवरेज निकाल करके आपने HDI बना दिया। HDI 2018 में टोटल कितने देश? 189। भारत का कितना रैंक? 130। प्लीज याद रखना, तीन पैरामीटर्स आपको याद करने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम। आगे चलते हैं। अगला, जीवन सुगमता सूचकांक। भैया बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ये कुछ वो होते हैं जिनको आप पी लो, घोर लो, जो करना है कर लो, पर ये तो याद रखना। जीवन सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन जारी करता है? ये भारत का रिपोर्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट नहीं है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इसमें पहला स्थान किसका आया है? आंध्र प्रदेश का। दूसरा स्थान उड़ीसा का और तीसरा स्थान किसका है दोस्त? मध्य प्रदेश का है, MP का है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखना कि ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ना, एक योजना है भारत सरकार की, योजना का नाम है अमृत। क्या नाम है योजना का? अमृत नाम है, अटल मिशन फॉर रिजुबिनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अटल मिशन फॉर रिजुबिनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जो 2015 में जारी की गई थी। तो अमृत के आधार पर, अमृत योजना के तहत आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करता है। 2018 की रिपोर्ट में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा उड़ीसा का और तीसरा किसका है? मध्य प्रदेश का है। एक बार देखें आप अमृत के बारे में, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा अमृत है। कब लॉन्च हुआ था? तो 25 जून 2015 को ये लॉन्च हुआ था, 25 जून 2015 को ये लॉन्च हुआ था। इसका क्या उद्देश्य है? तो शहरों का विकास करना, शहरों में सीवेज की सुविधाओं को बेहतर करना, ग्रीन इमारतों का निर्माण करना, शहरों में स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाना, तो बेसिकली शहरों को सही करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अमृत योजना के तहत, याद रखना दोस्त, अमृत योजना के तहत कौन सी इंडेक्स है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अर्बन मिनिस्ट्री इसको जारी करती है। नंबर 1 2018 में आंध्र प्रदेश, नंबर 2 ओडिशा और नंबर 3 रहा है मध्य प्रदेश। नंबर 3 क्या रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। प्लीज़ आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और भैया बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आ गई, तो इसमें आपको एक तो मानव विकास सूचकांक भूलने की गलती मत करना, एग्जाम में गलती करके आ जाओगे दोस्त, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ से। मानव विकास सूचकांक, दूसरा हो गया जीवन सुगमता सूचकांक और तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने आ रही है और वो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट दोस्त? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इसका हिंदी नहीं होगा इसलिए आपको ध्यान से देखना है। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का एक पार्ट है ग्लोबल सॉइल बायोडायवर्सिटी एटलस।
क्या पार्ट है दोस्त? ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस। अब ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WWF जारी करता है। WWF क्या है? तो रेसलिंग वाला नहीं है भैया। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और ये जारी करता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब याद रखना, ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये हर दो साल में पब्लिश की जाती है। और पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। सवाल दोस्त बस इतना ही आएगा कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। सो प्लीज़ याद रखना, WWF के द्वारा ये जारी की जाती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा ये जारी की जाती है। और इसी का एक पार्ट क्या है? ग्लोबल सॉयल बायोडाइवर्सिटी एटलस। इसमें ये बताया जाता है कि प्रजातियां कितनी जिंदा है, कौन सी प्रजातियों की हालत कैसी है, ये सारी चर्चा की जाती है इस रिपोर्ट में। अगला, स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस रिपोर्ट, बच्चों की रिपोर्ट या बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? तो ये यूनिसेफ जारी करता है। अब बच्चों की बात है, यूनिसेफ आप जानते हैं कि चिल्ड्रंस के लिए ही काम करता है, तो स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ जारी करता है। इसमें मेल न्यूट्रिशन अभी बताया गया है इस रिपोर्ट में, हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 69% जो बच्चों 69% जो डाइट्स होती हैं उसके पीछे कारण क्या होता है? कुपोषण होता है। उसके पीछे कारण क्या होता है दोस्त? कुपोषण होता है। ऐसा बताया गया है स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट, जारी कौन करता है? यूनिसेफ। 33 नंबर पर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ये रिपोर्ट बड़ी चर्चा में रही थी, 2027 तक हम चाइना को सरपास कर जाएंगे, ये कहानियाँ इस रिपोर्ट में आई थी। 136 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है जहाँ तक मैं सही हूँ, और 142 करोड़ के आसपास चीन की आबादी है। तो आने वाले समय में हम यहाँ भी झंडा गाड़ने वाले हैं और हम दुनिया का नंबर वन देश बन जाएंगे आबादी के मामले में भी। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2019 कौन जारी करता है? सवाल सिर्फ यही आएगा। और याद रखना, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसे जारी करता है, UNFPA। बहुत बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत चर्चा में रही थी। तो कौन जारी करता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसे जारी करता है। प्लीज़ इस स्लाइड में अगर हम देखें तो ये बस थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। मानव विकास सूचकांक, जीवन सुगमता सूचकांक, लिविंग प्लेनेट और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत बहुत हमारी भाषा में हम कहें तो महा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद करना ही है। चलो आगे चलते हैं। अगली हम बात करें तो एक रिपोर्ट और है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। अब हेल्थ वर्ड आ गया तो जारी भी कौन करेगा? WHO करेगा। सिंपल रिपोर्ट है। अब ये दो रिपोर्ट देखो यार, अगर ये एग्जाम 2018 में होता, अगर ये एग्जाम 2022 में होता, तो शायद हम यहां पर इन दो रिपोर्ट्स की चर्चा भी नहीं कर रहे होते। समझिए बात को। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, और दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट कौन है दोस्त? पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और दूसरा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब सर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इस साल? क्योंकि इन दोनों रिपोर्टों को जारी करता है एक संगठन जिसका नाम है ILO। क्या नाम है दोस्त जिसका? ILO। फुल फॉर्म सर क्या है इसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और 2019 में ILO के कितने साल पूरे हो रहे हैं? 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अब मैं आपको बस एक होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसे कवर अप करके आना। आप बस ILO के बारे में दोस्त बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना। आने वाले एग्जाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जिस भी संस्था के 50 साल, 25 साल, 75 साल या 100 साल पूरे होते हैं उस
टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। सो प्लीज़ रिमेंबर, ILO को 100 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं, और कौन कौन सी रिपोर्ट है, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, और दूसरा कौन सा रिपोर्ट है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ये प्लीज़ याद रखेंगे, आगे चलते हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स बची हैं आखिरी की 2-3, उन पे और चर्चा करते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एक रिपोर्ट नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, और नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पर एक स्लाइड में कवर की हैं। तो नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, हेल्थ सिस्टम फॉर न्यू इंडिया, क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया रिपोर्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ट्रांसफॉर्मिंग द आइलैंड थ्रू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इंडेक्स। ये सारे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें से दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक। जारी किसने किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है सर, नीति आयोग ने जारी किया है, और नवाचार सूचकांक में रैंक कितना है, तो भारत में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं कर्नाटका को। किसको मिले हैं, कर्नाटका को सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। तो बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। जल्दी से आप लोग ये सर्च करो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, और भारत का उसमें रैंक क्या है। जल्दी से सर्च कीजिए, बताइए। फिर इसमें से एक और जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई और इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ये भी नीति आयोग जारी करता है, और रैंक नंबर 1 पर कौन है, केरल का। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो हमने डिस्कस कर लिया। आखिर में कुछ एक दो रिपोर्टें और बची हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सभी जानते हैं, RBI, और प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग की प्रगति भी RBI। ये दोनों रिपोर्ट कौन जारी करती है, RBI जारी करती है। हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मौद्रिक नीति आती है। 45 नंबर और सबसे आखिरी पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017। बहुत बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। कहां पर है ये, देहरादून में है। कहां पर है, देहरादून में है। 1987 से द्विवार्षिक रूप में इसे जारी किया जा रहा है। 1987 से हर दो साल में ये रिपोर्ट आती है। अगली रिपोर्ट भी आने वाली है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब इसमें याद रखना कि वनों के मामले में भारत के 24.4% अपडेटेड आंकड़ा है, पुराना आंकड़ा आप जानते हैं 23% के आसपास था। वर्तमान में भारत के 24.4% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और जब भारत के 24.4% भाग पर वन पाए जाते हैं, तो दुनिया में इसका स्थान कौन सा है वनों के मामले में, 10वां स्थान है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है, अगर आप एरिया के हिसाब से देखें, अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, पर अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा वन, मिजोरम में पाए जाते हैं। ये कहती है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। दोस्त आखिरी में बस एक छोटी सी रिपोर्ट है जो यहाँ मैं नहीं लिख पाया हूँ। एक रिपोर्ट आती है असर, असर
असेसमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन करके रिपोर्ट आती है, असर नाम की ये जो रिपोर्ट है जिसमें अक्सर ये बताया जाता है कि पहली क्लास का बच्चा ये नहीं पढ़ पा रहा, दूसरी क्लास का बच्चा ये नहीं पढ़ पाया, तो ये रिपोर्ट एक एनजीओ है और इस एनजीओ का नाम है प्रथम। तो प्रथम नाम के एनजीओ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो दोस्त, इस तरह से हमने सारी रिपोर्ट्स को ख़त्म किया इन दो वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिल सकें। और हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर बहुत सी फ्री क्लासेस भी होती हैं। और अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं एमपीपीएससी का तो प्लीज़ आप SG Live कोड को यूज़ करें। अपना ख्याल रखें, आपसे वापस से मुलाकात होगी। टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइज़।